चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, निम सेट टॉपर 24 के 151 रैंक के अपूर से, अपूर कुमार जो कि पटना बिहार से हैं। तो अपूर सबसे पहले तो 151 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। तो थैंक यू सर, ऑल क्रेडिट गोज़ अपूर टू यू। थैंक यू बेटा। तो अपूर जो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी है, एक्चुअल में जब भी कोई ये सेशन देखता है, हर बच्चे की अलग अलग सक्सेस लाइफ होती है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के बाद एक साल का ड्रॉप भी लिया था और ड्रॉप ईयर के साथ इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, कब आपने निमसेट के लिए सोचा था, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की, वो मैं चाहूंगा आप डिटेल में बताओ। सर मैंने निमसेट के लिए तो 12th में ही सोचा था। 12th के बाद जस्ट मेरा मतलब 12th में उतना अच्छा स्ट्रांग था नहीं, कुछ कोई भी सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग नहीं था। मैंने जैसे तैसे बोर्ड्स पास किया, 87% थे मेरे बोर्ड्स में, वो भी मेरे भैया के बदौलत। तो ओके फिर मैंने सोचा कि बीटेक मेरे से होगा नहीं, मेरे बस की बात है नहीं, तो मैंने BCA चूज़ किया। या अगर मेरा कंप्यूटर में मन लगेगा तो बाद में मैं निमसेट कर लूँगा और फिर इस पर कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि मैंने ओके 3 साल अपने उसमें फुटबॉल में ही वेस्ट कर दिए। मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता था तो फुटबॉल में पूरा वेस्ट चला गया मेरा। वो एंड में मैंने आपका एक मैजिकल कैप्सूल 2023 का वीडियो देखा, वो प्लेलिस्ट मैंने बस 2 वीक में कंप्लीट किया और एक आध टेस्ट दिए ऐसे ही फ्री वाले। और तब मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम निमसेट क्रैक कर लूँ। पिछले बार मैंने उतने मतलब तैयारी के साथ निमसेट नहीं दिया था, तो मेरी रैंक थी 3800 विथ 202.5 मार्क्स। ठीक है, तो आप 3800 रैंक से सीधे 151 रैंक पे आए, फिर जब, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए, देखिए मैजिकल कोर्स बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म भी कर जाते हैं, पर जो नहीं करते, पर उनको ये पता होता है कि अब पढ़ना किस ढंग से है, किस ढंग से क्या चीज करनी। फिर आप वापस इम्पिटस से जुड़े, फिर आपने साल भर प्रिपरेशन की, तो जब आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया, तो फिर पूरे इंटायर ईयर आपने किस ढंग से प्रिपरेशन की और किस तरह से आपने टेस्ट दिए, क्या क्या करा? सर पहले तो मैंने जो आपका वीडियो देखा तो उससे मुझे लगा कि मतलब मैथ्स इतना टफ मुझे लगा नहीं आपसे पढ़ने के बाद। मतलब उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैं खुद से तो कर नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने आपका टीचिंग मेथड देखा, मुझे वो बिल्कुल सूट किया कि हाँ मेरे लिए बिल्कुल सही है कि मैं सर से मैं पढ़ूंगा, मेरे से हो जाएगा। तो मैंने आपको वही उतने ही वीडियोज देखे और मतलब 12th का तो मैथ्स पढ़ा ही हुआ था, तो मैंने बस प्रैक्टिस किया। और आपका जो टेस्ट में भी काफ़ी कॉन्टेंट था, तो आपके फ्री वीडियोज एनालिसिस बहुत काम आया मेरे। एक एक क्वेश्चन को मैं किस में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कहाँ आप सारे प्रॉब्लम्स फिगर आउट कर देते थे हमारे लिए पहले ही। तो आपने जो जो कहा मैंने बस वही फॉलो करते गया। और मेरे भैया भी जो बताते थे वो बिल्कुल आपसे मैच करता था। भैया कहे कि सर के पास इतना 30 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी है सर के एक्सपीरियंस का यूज़ करो। तो आपके गाइडेंस की वजह से सर मैं अभी 3800 से 151 रैंक पर पहुँच पाया हूँ। तो बिल्कुल सही बात है अपूर्व, आपने एकदम सही बात बोली। मेरा वैसे भी मैथ्स को पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। मैं सोचता हूँ कि कैसे टफेस्ट चीज को भी हम सिंपल कर सकें, पेपर का एनालिसिस वो सब कहीं ना कहीं हेल्प करते ही है। तो अपूर्व ये बताओ, जब आपने ड्रॉप लिया तो पूरे इंटायर ईयर कभी ऐसा कोई डर तो नहीं आया मन में? सर कई बार तो ऐसा लगा कि होना ही नहीं है। तो मेरा मतलब थोड़ा सा मुझे कब से लगा कि ये निमसेट पॉसिबल है, जब मैंने ये टेस्ट सीरीज जब आपका देखा कि शुरुआत में दिया मैंने, तो उसमें मेरे पिछले साल जैसे ही मार्क्स आ रहे थे, 200 और 250 ऐसे ही ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो भैया ने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है सर, जो बोल रहे हैं बस उसको फॉलो करते हो, शुरुआत में तो ऐसा ही आएगा, एक बार में सीधे थोड़ी तुम्हें 500 600 मार्क्स आने लगेंगे बिना सही तैयारी बात के। तो मैं तैयारी करते गया और आपके बस ये फुटस्टेप्स फॉलो करते गया बस। तो इतने में मेरा हो गया। और फिर मैंने बीच में, आपने कहा था कि थोड़ा ध्यान भटकने मत देना, लेकिन मैंने क्या किया कि सोचा कि एक कॉलेज मेरे हाथ में अगर रहेगा तो मैं निमसेट के लिए बेफिक्र हो जाऊंगा। तो फिर मैंने टैंसेट की 2 हफ्ते 2 वीक बस तैयारी की और 2 वीक में मेरा टैंसेट निकल गया। मेरे 99.942% आया टैंसेट में। तो उसके बाद कम से कम मुझे इतना हो गया कि मेरे पास एक कॉलेज है, अब मैं थोड़ा फ्री माइंडेड हूँ। तो उसके वो बाद एक मैंने कॉन्फिडेंस निमसेट काम की। आया। यस सर, तो अच्छा ये बताओ अपूर्व, जब आप एग्जाम सेंटर गए, पेपर दिया, तो कई बच्चों को, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनेशन प्रेशर बड़ा अलग होता है, पेपर जब देने जाते हैं हम और मॉक देते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो वहां पे आपका माइंडसेट क्या था? सर मेरे लिए वो बस एक ऑर्डिनरी सा दिन था, जैसे मैं टेस्ट देता था डेली उसी तरह से, वो भी मेरे लिए एक नॉर्मल दिन था। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब मेरा टेस्ट जो है ना वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था मेरा इमेज, तो आधे घंटे बाद मेरा टेस्ट शुरू हुआ। तो मतलब मेरा थोड़ा सा नेचर है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो मैं वही थोड़ा सा उसमें बिगड़ गया। नहीं तो मेरे डबल डिजिट रैंक भी पॉसिबल थी, मैं थोड़ा गुस्से बिल्कुल में पॉसिबल थी। उधर। यस सर, थोड़ा सा मैं ये ज़्यादा हड़बड़ में हो गया कि ये जितने जल्दी सारे क्वेश्चन हो उतना निपटा लो और ऐसा
करते गया बस। पर फिर भी देखो उसके बाद भी जो आपके साथ हुआ उसके बाद भी आपने 151 रैंक अचीव की, अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी बात है। और अब आगे के लिए जीवन में याद रखना, कभी भी कोई सिचुएशन आए तो उसको फेस करने का तरीका बहुत कूल रह के ही करना है, क्योंकि हम जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कम काम करने लगता है। तो ऐसा कोशिश यही करना चाहिए कि हम एग्रेसिव ना हो। अच्छा अपूर्व, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं? सर जो ड्रॉप लेते हैं, सर ड्रॉप लेने वाले को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंट रहना। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी एक सही बहुत है। बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी। कई बार ऐसा होता है कि हमें, मतलब मेरा खुद का था कि मैं फीफा बहुत खेलता था लैपटॉप पे, फीफा ये सब खेलने मेरे बहुत बुरी आदत थी। मैंने सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट किया था, मैंने पुराना आईडी तो मेरा चला गया, अब ये मैंने न्यू आईडी क्रिएट कर लिया कुछ कुछ दिन के लिए, ये भी मैं कुछ दिन के बाद डिलीट ही कर दूंगा। तो मैं इंस्टा आईडी से पहले वो दूरी बनाया, पहले इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, और फिर कंप्यूटर वाले गेम से। खेलो तो अगर तुम थोड़ा आउटडोर स्पोर्ट्स खेलोगे तो वो सही रहेगा, और थोड़ा बिल्कुल सही मेडिटेशन बात करना चाहिए, मेडिटेशन है। करना चाहिए। मेरा गुस्सा तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा आता है, तो मैंने ये थोड़ा मेडिटेशन मेरा हेल्प किया। आपकी आप ही ने कहा था कि थोड़ा मेडिटेशन करते रहो और दिमाग को शांत रखो, नहीं तो जैसा मेरा नेचुरल है तो वैसे मैं काम और बिगड़ सकता था। बिल्कुल सही बात बोली अपूर्व, कि टॉपर बच्चों के पास कंसिस्टेंसी कई बार बिगड़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है पूरा साल है, पूरा दिन है, कुछ और काम नहीं है, तो कई बार वो कंसिस्टेंस नहीं रहते। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ना कोई स्पोर्ट एक्टिविटी होना चाहिए, पर वो मोबाइल गेम स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो आपने कुछ डिसीजन बहुत अच्छे लिए कि इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबसे दूर हो गए, और वो कहीं ना कहीं नहीं तो बहुत, आजकल सबसे कहने को रील 1-2 मिनट की होती है, पर वो आज की डेट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर जाती है। हम उसमें कई बार आधे आधे घंटे भी निकाल देते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा आपकी लाइफ का, और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो चलिए एक बार फिर से बेटा ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। अब NIT में भी जाके ऐसे परफॉर्म करना है आपको, सर वहाँ और बेटर परफॉर्म करना है। बिल्कुल बहुत ही बेटर परफॉर्म करना है। थैंक यू सर।